नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। साबरकांठा जिले के पोशीना तहसील के लावंडिया में एकलव्य संगठन के नेतृत्व में स्तर पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें पोशीना के ग्रामीण मुद्दों पर चर्चा की गई। देखिए, साबरकांठा जिले के पोशीना तहसील के लामडिया में एकलव्य संगठन के नेतृत्व में पोशीना के ग्रामीण मुद्दों पर संगठन द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। किसानों की ऋण और धमकी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पोशीना तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के प्रश्न, पोशीना तहसील में सस्ती खाद्य दुकानों के राशन के बारे में प्रश्न। अश्विन कोटवाल, स्थानीय खेड़बर्म के विधायक विजयनगर, पोशीना तहसील को एकलव्य संगठन द्वारा बैठक में सभी प्रश्नों के लिए आवाज देने के लिए आमंत्रित किया गया था और सभी सवालों पर चर्चा की गई थी, जिसकी पुष्टि वर्तमान विधायक पोशीना की क्षेत्र के हर सवाल को हल करने की गारंटी दी गई थी। और अगर इस मुद्दे को प्रणाली द्वारा हल नहीं किया जाता है तो उन्होंने आने वाले दिनों में विधानसभा में सरकार के समक्ष सभी मुद्दों को उठाने का आश्वासन दिया। ये कहते हुए कि मधुसूदन मिस्त्री ने एकलव्य संगठन के माध्यम से वन भूमि के अधिकार के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और ये हमारा क्षेत्र है। सांसद बनने के बाद उन्होंने वन भूमि पर खेती करने वाले सभी किसानों के लिए सरकार में एक कानून लाने में बड़ा योगदान दिया है, जिसके कारण हमें उन सभी लोगों के अधिकार मिले हैं जो वन भूमि पर खेती करते हैं। लेकिन गुजरात सरकार द्वारा जारी किए गए अधिकारों का पत्र एकलव्य संगठन साबरकांठा के मंत्री बंसीलाल सोलंकी ने सभी बैठकें आयोजित की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। सर, काले जो एकलव्य संगठन लेने जे मीटिंग राखवा में शुं उद्देश्य पर हती? અમે લોકોએ એકલવ્ય સંગઠનની જે મિટિંગ રાખી હતી એ અમારા જે પોશીના વિસ્તારના આંતરિયાળ જે વિસ્તાર છે એમાં પડતર પ્રશ્નોને લઈને મિટિંગ કરવામાં આવી હતી। એમાં જેમ કે જંગલ જમીન, તો જંગલ જમીનના પ્રશ્નો આજ દિવસ સુધી સરકારે અમારા હલ કર્યા નથી। એક તો મેઇન ઉદ્દેશ એ હતો। બીજા નંબરે ઉદ્દેશ એ હતો કે ભાઈ, જે જંગલ ખાતાના કર્મચારીઓ દ્વારા જેના દાવા કર્યા છે, જમીન જે દાવા કરેલા જમીનની અંદર આ લોકો ફોરેસ્ટ વિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા પ્લાન્ટેશન કરવામાં આવે છે, તો એને એક તો ન કરે પ્લાન્ટેશન, એના ઉદ્દેશથી એ કરવામાં આવ્યા હતા। અમારું હમણાં જ ગણવા કરીને જે ગામ છે, ગણવાની અંદર જામુડી જે ગામ છે, જામુડી ફળિયું, એની અંદર ચાલુ મકાઈ, એટલે હાલ મકાઈ વાવેલી છે, અને એ મકાઈની અંદર આ લોકોએ રીતસરના રોપા વાવ્યા છે। તો આ પ્લાન્ટેશન એક તો અટકાવવાનો અમારો ઉદ્દેશ છે। બીજા નંબરે સરકાર અમારી વાત સાંભળતી નથી, તો સરકાર અમારી વાત સાંભળે। ક્યા સચ હૈ ક્યા ઝૂઠ, અબ હોગા જો સચ વહી ખબર। હમસે જુડે રહેને કે લિયે હમારે ચેનલ કો સબસ્ક્રાઇબ કરના ના ભૂલે ઓર દેખતે રહે એચબીએન ન્યૂઝ।